करनाल से 4 आतंकियों के गिरफ्तार होने की खबर है। सीमा पर साजिश की सुरंग, ये हमारी दूसरी बड़ी खबर है। इन दोनों खबरों पर हम नजर बनाए रखेंगे और जितने भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। तो करनाल में एक आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। करनाल में 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं। पाकिस्तान से ड्रोन भेजे जाने के बाद यहां तेलंगाना के आदिलाबाद की ये जो जानकारी मिल रही है ये एक बड़ी खबर। करनाल में आतंकी साजिश का ये बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे हथियार, तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे हथियार और एक बड़ी आतंकवादी साजिश की ओर इशारा। बब्बर खालसा के 4 आतंकवादी गिरफ्तार, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 4 आतंकवादी गिरफ्तार। ये आपकी टीवी स्क्रीन्स पर 4 नाम है, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप, भूपेंद्र और परमिंदर, ये वो 4 आतंकवादी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और एक बड़ी आतंकवादी साजिश की ओर इशारा करती है इनकी गिरफ्तारी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, करनाल से पकड़े गए हैं ये आतंकवादी, गुरप्रीत सिंह, अमनदीप, भूपेंद्र और परमिंदर इनके नाम है। जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश की ओर इशारा कर रही है इनकी गिरफ्तारी। बिल्कुल अदिति, ये जो 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं इनको पाकिस्तान से हथियार मिले थे। पाकिस्तान के में जो बैठे हुए आतंकी हैं, जो बब्बर खालसा से जुड़े हुए आतंकी हैं और जो इस समय ISI के इशारे पर भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं, उनके कहने पर ये हथियारों की सप्लाई कर रहे थे। एक मिनट के लिए आपको यहां रोक रही हूं। SP ने इस पूरे मसले पर क्या बोला है अपने दर्शकों को वो सुना देते हैं, उसके बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। ये 3 जो हैं ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं और एक लुधियाना का रहने वाला है। इनकी गाड़ी की BDDS टीम की उपस्थिति में तलाशी लेने पर एक देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस और 3 IDs बरामद हुई है। हमारी BDDS टीम अभी मौके पे है और अग्रिम कार्रवाई कर रही है। कुछ बारूद वगैरह भी सर बरामद हुआ? जी, जो एक जो BDDS टीम मौके पर आई है उसके जो भी उसकी जाँच के अनुसार प्रथम दृष्टिया एक्सप्लोजिव की पुष्टि हुई है। बम निरोधक दस्ता मौके पर मौजूद है, FSL की टीम भी मौके पर मौजूद है। हमने थाना मधुबन में FIR इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है और आगे की जांच जारी है। शुरुआती जांच में सर पता लग पाया क्या मंशा थी? देखिए, जो अभी तक जहाँ सामने आई है ये फिरोजपुर से सप्लाई लेके आए थे और नांदेड़ और आदिलाबाद के आसपास में इनको वहां पर सप्लाई रख करके आनी थी। और पूर्व DGP विक्रम सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम सिंह साहब, जिस तरीके से ये 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, एक बड़ी आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की यहां कोशिश जो नाकाम की गई है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण हो जाता है इस तरीके की गिरफ्तारी होना? जी नमस्कार, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हो नहीं सकती थी। जिस प्रकार की सनसनीखेज बरामदगियां हुई हैं उससे ये बिल्कुल स्पष्ट है इनके मंसूबे बड़े भयावह थे। ये संतोष का विषय है कि इनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिंदा गिरफ्तार किया गया है, बरामदगी हो गई है। इससे कम से कम ये तो स्पष्ट है कि गुरप्रीत, अमनदीप, भूपेंद्र और परमिंदर, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, किनके साथ रहे हैं, इनकी जरिया आमदनी क्या है और कितनी बार ये विदेश गए हैं। इन तमाम चीजें इनके मोबाइल और लैपटॉप को खंगालने के बाद बृहद पूछताछ से ही पता लगेगा कि इनके मददगार कौन है, स्लीपर सेल से इनको कोई मदद थी या नहीं थी और तमाम चीजें, आखिर रिमोट किसके हाथ में था। इस तरीके की जो भयावह रिकवरी हुई है उससे ये स्पष्ट है इनके मंसूबे बड़े भयावह थे और उसको कुछ भी ये कर सकते थे। और इसके अनावरण के बाद अगर RDX है या नहीं है ये तो बाद में मालूम पड़ेगा विवेचना के, लेकिन जो सर्किटरी मिली है IEDs के जो सर्किट्स मिले हैं, जैसा कि पूनिया साहब पुलिस अधीक्षक ने बताया है, ये स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा एक बहुत बड़ी एक षड्यंत्र की साजिश रची जा रही थी। और ये तो भला हो करनाल पुलिस का कि उन्होंने इसका सफल अनावरण समय रहते इनको गिरफ्तार करके इनकी बरामदगी हो गई, लेकिन अब बृहद पूछताछ से ये मालूम पड़ेगा कि आखिर पाकिस्तान से अगर ड्रोन से ये आए थे क्या इनकी मंसूबा थी, अगर आदिलाबाद ले जा रहे थे तो वहां पर नरसंहार करने का इनका क्या कार्यक्रम था, वहां पर किस प्रकार की ये कार्रवाई या अपराधी की चरमपंथी गतियां कर सकते थे। जी सिंह साहब, जिस तरीके से पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे गए, तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे ये हथियार, तो
पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से पैन इंडिया मूवमेंट इन आतंकवादियों का होने की कोशिश थी, इससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा चिंता भी बढ़ती है। हालांकि जिस तरीके से इनकी गिरफ्तारी हुई है, साफ तौर पर समझ में आता है कि हमारे सुरक्षा बल भी कितने ज्यादा मुस्तैद हैं हिंदुस्तान को किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि से बचाने के लिए। लेकिन इस तरीके की कोशिश कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबे एक बार फिर बेनकाब करती है। बेशक आपको याद होगा कि पाकिस्तान की इस प्रकार की घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। उसकी K2 पॉलिसी, जिसमें कश्मीर और खालिस्तान दो तरीके से इन्होंने हमारे मातृभूमि को क्षति पहुंचाने का निर्णय लिया था, एक तरफ कश्मीर के जरिए, दूसरी तरफ तथाकथित खालिस्तान के जरिए, तो ये खालिस्तान के चरमपंथियों को तथाकथित उनको वरगला करके इस प्रकार की कार्रवाई और अपने हथियार और विस्फोटक भेज करके और पैसे दे करके, वो भी चाहे नकली भारतीय मुद्रा हो या सही मुद्रा हो वो तो बात की बात है, लेकिन इस तरीके से वरगला करके घातक हथियार और विस्फोटक दे करके आदिलाबाद में, निसंदेह उनके बहुत खराब मंसूबे हैं। और इसकी विवेचना के बाद ही पता लगेगा कि आखिर इनके संपर्क सूत्र कौन है, किस माध्यम से ये अपने आकाओं से ISI हैंडलर से ये मिलते हैं, और उसके बाद सफल अनावरण के बाद परत दर परत, जैसे प्याज की परत दर परत उतरती है, आप स्वयं देखिएगा कि एक बृहद विवेचना होती है, बड़ी डिटेल्ड इलेबरेट होती है, उसके बाद तमाम लोग और अनावरण होंगे, गिरफ्तार होंगे, दस्तयाब होंगे। सिंह साहब, जिस तरीके से बब्बर खालसा के आतंकवादी, बब्बर खालसा ग्रुप के आतंकवादी होने की जानकारी भी, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, लंबे समय तक आपने इस आतंकवादी आउटलेट और जिस तरीके से इनकी फंक्शनिंग हुई है उसको भी देखा है, आपने बहुत करीबी से देखा है, अगर हम मॉडस ऑपरेंडाई की बात करें तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं? ISI की बड़ी सोची समझी एक कूटनीति और रणनीति रहती है। K2 प्लान के अंतर्गत वो जहां कहीं युवा होते हैं उनको वरगलाने की कोशिश करना, विदेश से उनको ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉश चाहे विदेश में करें भारत में करें, युवाओं को वरगला करके उनको धन का प्रलोभन दे करके और उनको सब्जबाग दिखा करके इस तरीके की आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल करते हैं, उनको आर्म करते हैं, उनको वरगलाने के बाद ये भी कहते हैं कि जब पब्लिसिटी जितनी मिलेगी उस पब्लिसिटी के आधार पर अन्य भुगतान आगे किया जाएगा। लेकिन अगर इसका सफल अनावरण हम कर लें, जो कि हम अवश्य करेंगे, कि इनके नेटवर्क में सबसे बड़ी चीज होती है नेटवर्क, उसके बाद आता है स्लीपर सेल, उसके बाद आता है कि कौन इनको बाकी चीजें उपलब्ध कराते हैं। जी सिंह साहब, इस वक्त एक और अहम खबर अपने दर्शकों को दे दें, करनाल में आतंकी साजिश पर यह बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है कि पाकिस्तान से पंजाब ड्रोन हमले के लिए ये पूरी हथियारों की सप्लाई की गई थी और ऐप के जरिए हथियारों की ये सप्लाई की जाने की यहां पर कोशिश की गई, हथियारों की ये जो सप्लाई हुई ये ऐप के जरिए की गई, पाकिस्तान से पंजाब ड्रोन से ये हथियार भेजे गए और ऐप के जरिए हथियारों की सप्लाई हो रही थी। तो जिस तरीके से सिंह साहब से भी हम बात कर रहे हैं कि पूरा एक सुनियोजित ढंग से हिंदुस्तान में आतंकवादी साजिश को अंजाम देने की ये कोशिश जिसे विफल किया गया है, इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, करनाल की ये तस्वीरें हैं जहां एक बड़ी आतंकवादी साजिश पर ये खुलासा हुआ है, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार भेजे गए, तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे ये हथियार, बब्बर खालसा के 4 आतंकियों को यहां पकड़ा गया है और ड्रोन के जरिए ये हथियार भेजे गए और बाकायदा टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल और ऐप के जरिए हथियारों की ये सप्लाई। मेरे सहयोगी जितेंद्र शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से सिंह साहब भी बता रहे थे और एक लंबे समय से आप भी इस तरीके की जो आतंकवादी साजिशों को नाकाम करने की हमारे पुलिस बलों की एक कोशिश रही है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी की कोशिश रही है, आज की जो ये यहां पर गिरफ्तारी हुई है इसको जब आप देखते हैं तो कितना महत्वपूर्ण इसे मानते हैं? लेकिन रीति, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे अच्छी बात जो निकल करके आई है वो कोऑर्डिनेशन है। पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस का जो कोऑर्डिनेशन है उसी की वजह से ये चारों आतंकी समय रहते गिरफ्तार हो पाए। पंजाब पुलिस ने समय रहते जानकारी दी कि इस तरह से 4 आतंकी जो कि करनाल के रास्ते से निकले हैं और उनको अगर समय रहते पकड़ लिया जाए तो एक बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। तो आप सोचिए कि सवेरे 4 बजे ही ये इनोवा कार जब करनाल के रास्ते से होकर के जा रही थी, क्योंकि इसे जो जानकारी मिली है वो आदिलाबाद पहुंचना था और हरविंदर सिंह जो जिंदा है, जो कि इस समय पाकिस्तान के अंदर बैठा है, बब्बर खालसा का आतंकी है, ISI के इशारे पर वो भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए लगा हुआ है, तो
जैसे ही जानकारी मिली तुरंत इसको मधुबन पुलिस जो थाना है करनाल के अंदर उसने नाकेबंदी की और इस इनोवा कार को पकड़ा और चारों आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आईईडी और जो बाकी हथियार हैं वो बरामद हुए हैं इनके पास से। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो चार आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं उनमें से एक आतंकी गुरप्रीत पहले लुधियाना की जेल में बंद था और वहीं पर एक राजवीर नाम के अपराधी के संपर्क में आया और उसने हरजिंदर सिंह जिंदा जो कि इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है उससे एक जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो चैट एप्लीकेशन है उसके जरिए कॉन्टैक्ट करवाया और उसके जरिए आतंकी गतिविधियों में ये चारों आतंकी शामिल हुए। और उसके बाद देखिए किस तरह से योजना बनी थी। हरजिंदर सिंह जिंदा ने बताया कि वो ड्रोन के जरिए पाकिस्तान और जो पंजाब बॉर्डर है वहां पर वो हथियारों की सप्लाई करेगा और उसके बाद इन हथियारों को आगे लेकर के जाना है और जब सप्लाई हो जाएगी उसके बाद जानकारी देनी है। और ये कोई पहली बार नहीं था जब वो इस तरह से हथियारों को लेकर के जा रहा था। इससे पहले भी वो काफी सारे हथियार जो पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत में भेजे गए हैं हरजिंदर सिंह जिंदा और आईएसआई के आतंकियों ने भेजे हैं उनको भी वो पहले सप्लाई कर चुका है। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। जी जितेंद्र बने रहिए हमारे साथ। एसपी करनाल ने और भी कुछ अहम बातें बताई है अपने दर्शकों को, एक बार वो भी सुना देते हैं। ऐप के जरिए लोकेशन भेजी थी, आदिलाबाद के आसपास की लोकेशन है, वहाँ पर इनको ये जो एक्सप्लोजिव्स है और जो हथियार है वो रख करके आदिलाबाद दिल्ली सर ना तेलंगाना के पास इनको जो हरविंदर सिंह जो रिंदा है वो एक लोकेशन भेजता है। उस लोकेशन पे ये जो फिरोजपुर में जहाँ पर ड्रोन के जरिए सप्लाई होती है वो भी जो गुरप्रीत है उसका एक फ्रेंड है आकाशदीप, उसी के ननिहाल का खेत है वो, उन्होंने लोकेशन इन्होंने उनको भेजी थी ताकि वहाँ पर सप्लाई पहुँचाई जा सके। ड्रोन के जरिए वहाँ पर सप्लाई होती है, फिर ये वहाँ से जो भी विस्फोटक पदार्थ या हथियार आते हैं उसको फिर ये हरविंदर सिंह रिंदा के द्वारा बताई गई लोकेशन पर रख करके आ जाता है। और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, हम जिस तरीके से एक के बाद एक जानकारी जो करनाल के एसपी दे रहे हैं, जब उसको सुन रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं, तो यह अंदाजा हो रहा है कि कितनी सुनियोजित ये साजिश थी, कितने सुनियोजित ढंग से ये पूरा आतंकवादी जो नेटवर्क है ये ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा था हिंदुस्तान में। निसंदेह इसमें कोई चीज अप्रत्याशित नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, हरजिंदर सिंह जिंदा एक पुराना आतंकवादी है और कई चरमपंथी घटनाओं में भारत में उसने न सिर्फ कारित किया है बल्कि उसमें इन्वॉल्व रहा है। अब हरजिंदर सिंह जिंदा ने ऐप, अब इससे सब दूसरी बात आती है, एक तो हरजिंदर सिंह जिंदा, दूसरा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ऐप के जरिए और पाकिस्तान और आईएसआई के द्वारा सप्लाई किए गए ड्रोन के माध्यम से आपत्तिजनक वस्तुएं जिसमें हथियार आईईडीज विस्फोटक हैं वो फिरोजपुर में लैंड कराना। जी सिंह साहब, आपको यहाँ एक मिनट के लिए रोकूंगी, एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं जो बिल्कुल ग्राउंड जीरो से हमारे पास आई है, वो अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हरियाणा के करनाल पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। आज सुबह 4 बजे के करीब करनाल जो बस्ताड़ा टोल प्लाजा है वहां पर 4 संदिग्धों को पकड़ा गया, तो उन 4 संदिग्धों को यहां का जो मधुबन थाना है वहां पर रखा गया। उनसे भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। उनके तमाम जो टीमें हैं यहां पर मौजूद है, गंगाराम पुनिया जो एसपी करनाल है वो मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये थाना करनाल का जो मधुबन थाना है वहां पर वो बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया, उनकी जो गाड़ी थी उसमें से ये गोला बारूद निकला है। उसके साथ साथ बात करी जाए, चारों जो हैं पंजाब के फिरोजपुर के रहने वाले हैं, तमाम जो अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, एसपी गंगाराम पुनिया खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बम निरोधक दस्ते को यहां पर बुलाया गया। और इसके के साथ साथ अगर देखा जाए तो कोई एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये आतंकी, कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को लेकर अब जाँच की जा रही है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो थोड़ी देर बाद जो करनाल के एसपी हैं गंगाराम पुनिया वो जानकारी देंगे कहीं ना कहीं ये किस वारदात को ये अंजाम देने के लिए आए थे, कहां से आए थे। लेकिन इतना जरूर है कि ये फिरोजपुर के रहने वाले हैं, चारों फिरोजपुर के रहने वाले हैं, 30 से 32 साल के युवा हैं और ये गाड़ी से पकड़े गए हैं। किस वारदात को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं भी अभी पूरी की पूरी जानकारी करनाल के जो उच्च अधिकारी हैं वो देंगे। कमरजीत सिंह विरक, जी मीडिया करनाल। जी मीडिया संवाददाता कमरजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी और एसपी करनाल ने जो अहम जानकारियां दी हैं इस गिरफ्तारी के बारे में वो अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं।
एक्चुअल में जो गुरप्रीत नाम का जो इन चारों में से मुख्य आरोपी है वो पहले जेल में रहा था। इसी दौरान उसकी एक मुलाकात एक राजवीर नाम के शख्स से हुई। राजवीर हरविंदर सिंह रिंदा का पहले से ही पुराना एसोसिएट रहा है। वो राजवीर सिंह भी जो है वो उसके हरविंदर सिंह रिंदा के लिए काम करता था। राजवीर ने इसकी उसकी जो है संपर्क उससे हरविंदर सिंह रिंदा जो पाकिस्तान बेस्ड है उससे उसकी बात करवाई। इसके बाद में पिछले 9 महीने से लगातार कॉन्टैक्ट में थे। वो वहाँ से सप्लाई इसको भेजता था, ये उसकी बताई गई लोकेशन पर रख के आता था और उसके बदले में इसको पैसे देता था। तो करनाल के एसपी को हमने सुना किस तरीके से ये गिरफ्तारी के बाद एक अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। करनाल में आतंकवादी साजिश पर ये बड़ा खुलासा, पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार, तेलंगाना के आदिलाबाद भेजे जाने थे ये हथियार, बब्बर खालसा के 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया है। तो ये ड्रोन वाली साजिश जिसको हिंदुस्तान में विफल किया गया है और बड़ी 4 आतंकवादी गिरफ्तारियां, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और ये आप ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो गिरफ्तारी हुई है आतंकवादियों की, उनकी जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन्स पर, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। 4 आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं और उन्हीं की जो तस्वीरें हमें मिली हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो करनाल में ये बड़ी आतंकी साजिश पर ये खुलासा, आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा ने भेजे थे हथियार। और जी मीडिया संवाददाता जितेंद्र के पास इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी है। जी जितेंद्र, देखिए अदिति, हरविंदर सिंह रिंदा जो कि इस समय पाकिस्तान में बैठा हुआ है उसी ने इन चारों आतंकियों को अपनी आतंकी साजिश में शामिल किया था। गुरप्रीत जो कि लुधियाना की जेल में बंद था, वहीं पर राजवीर नाम के एक आरोपी से उसकी मुलाकात हुई और उसी ने हरविंदर सिंह रिंदा से जो मोबाइल एप्लीकेशन है, चैट एप्लीकेशन है, उसके जरिए बातचीत करवाई और उसके बाद ही पाकिस्तान से जो हथियार भेजे जा रहे थे उनको सप्लाई करने का काम गुरप्रीत अपने बाकी साथियों के साथ, परमिंदर, भूपेंद्र और अमनदीप, इनके साथ मिलकर के काम कर रहा था। और जो अभी आज सवेरे जब करनाल पुलिस ने इन चारों को गिरफ्तार किया है तब भी पाकिस्तान से जो हथियार भेजे गए थे जिनमें से 3 IED और बाकी जो दूसरे गोलियां थी और एक हथियार था पिस्तौल थी, वो जो रिकवरी हुई है वो पाकिस्तान से भेजे गए थे और उससे तेलंगाना में लेकर के जाना था। पुलिस ने जो अभी तक पूछताछ की है, करनाल पुलिस ने जो पूछताछ की है उससे ये पता लगा है कि ये कोई पहली बार नहीं है कि ये जो चारों आतंकी हैं हथियारों को लेकर के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर रहे हैं। ये इससे पहले भी कई अलग अलग हिस्सों में सप्लाई कर चुके हैं और उसके बाद हरविंदर सिंह रिंदा को इस बात की जानकारी देते थे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए। इससे अदिति इस बात का पता लगता है कि किस तरह से एक सिलसिलेवार ढंग से पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन बैठे हुए हैं जो भारत से ही वहां पर गए हैं, जैसे हरविंदर सिंह रिंदा है, बब्बर खालसा से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा और अलग अलग जो गुट है खालिस्तानी जो आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान जिनका इस्तेमाल कर रहा है, वो इस तरह से जो हथियार है विस्फोटक है उनकी सप्लाई कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि एक बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।